सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो दुनिया में खुश होने के हजार कारण होते हैं, लेकिन यदि सही मायने में देखें तो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम किसी के निस्वार्थ भाव से अपनी खुशी से मदद करते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी का यह दोहा हमें अपने जीवन की कितनी बड़ी सीख देता है। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया दे पाता है, ना ही किसी को फल दे पाता है, क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। इसी तरह से यदि हम किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ऐसे बड़े होने से भी हमारा कोई फायदा नहीं होता। जब भी दूसरों की मदद करने का सवाल उठता है तो ऐसी कई बातें बोलने और सुनने में आती हैं कि हम किसी की मदद क्यों करें, हमें क्या मिलेगा किसी की मदद करके, या फिर हमारी मदद कौन करता है। हम उस समय यह बात भूल जाते हैं कि किसी की मदद करना और कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस इंसान के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम मात्र होता है। दूसरों की मदद हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यह पुण्य का काम है, या फिर इस डर से कि यदि हमने किसी की मदद नहीं की तो हमारी जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कौन करेगा, बल्कि मदद के पीछे का भाव अपनी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए हमें अपनी खुशी से किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे यह धरती हमारी मदद करती है जीवन को जीने में, हमें हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ देती है। धरती माँ तो कभी हिसाब नहीं रखती ना कि हमें उन्होंने कितना जल दिया, कितना पानी दिया, कितना मिट्टी दिया और क्यों दिया, आखिर हम कौन हैं। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, यदि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है और इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके, तो हमें जरूर आगे रहना चाहिए। और उस समय ना अपने स्वार्थ को हमें भूल जाना चाहिए, अपने फायदे को दिखाए बिना हमें मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए। किसी की पैसे से ही मदद करना सबसे बड़ी बात नहीं होती, या फिर किसी की बहुत बड़ी मदद कर देना ही बड़ी बात नहीं होती। किसी जरूरतमंद को सलाह दे देना, निराश मन को खुशी दे देना, उत्साह देना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनमें उनके जीवन के लिए प्यार और जोश को जगा देना, यही बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हरफनमौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। कल का सफर जहाँ समाप्त हुआ था, आज का सफर बस वहीं से शुरू हो चुका है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरफनमौला जागृति में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश और उमंग के साथ। और आप सभी के प्यार और दुआओं से आपकी जागृति भी ठीक है। तो ये है आज का सुबह, और यहाँ पर अभी खाना तो बन गया है वैसे, लेकिन यहाँ पर फिर भी सब्जी की धुलाई होने जा रही है क्योंकि ये हो रही है शाम की तैयारी। शाम को हम लोगों ने सोचा आज लिट्टी चोखा लगाने को, तो बस इसीलिए हमने सोचा सुबह ही सारी सब्जियाँ ना धो के रख लेते हैं, शाम का थोड़ा छुट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, टमाटर, बैंगन, आलू, जितनी भी चीज़ें लगने वाली है ना चोखे बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें धो लेते हैं। चोखे के साथ ही साथ हम बनाने वाले हैं भरवी वाली लिट्टी, तो बस उसके लिए भी हमें मसाला बनाना होगा। तो वहाँ पर भी हमें यूज में आ जाएगा प्याज, मिर्चा, अदरक, लहसुन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी हम धो के अभी रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना पहले से ही धो के अच्छे से रख लेंगे ना, तो शाम को थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से सूख भी जाएंगी। बहुत दिनों से मन हो रहा था लिट्टी चोखा खाने का, तो बस आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोग बनाने वाले लिट्टी चोखा और खाने वाले हैं मस्त बना के। तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटर, लहसुन, मिर्चा, धनिया, आलू सब अच्छे से धो लिया है, बाकी बैंगन अभी नहीं था हमारे पास, तो हम चल रहे हैं बाहर पेड़ से बैंगन तोड़ने के लिए। तो हम आ चुके हैं अभी बाहर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैंगन हैं, लेकिन आज दिख नहीं रहे हैं बैंगन, छोटे छोटे बैंगन ही दिख रहे थे, तो बस जो दिख रहे हैं वही तोड़ लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बैंगन दिखते रहते हैं बड़े बड़े, लेकिन आज उतने बैंगन दिख ही नहीं रहे हैं, सारे छोटे छोटे हैं। और ज़्यादा छोटे छोटे बैंगन तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, आग में भुनने के बाद ना वो बिल्कुल उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हाथ बस चार ही पाँच बैंगन लगे हैं, और ये देखिए हम छत पर आए ना तब हमें पता चला कि मम्मी ने पहले से ही बैंगन तोड़ के रखे हुए थे,
तभी मैं सोचूं कि बैगन वहाँ पर मिल क्यों नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बैगन दिखते रहते हैं लटकते हुए, लेकिन आज हमें मिल ही नहीं रहे थे। और मम्मी ने पहले ही लाकर सारा बैगन तोड़ करके रख दिया था। चोखे बनाने का इंतजाम ना मम्मी ने पहले से ही करके रखा हुआ था। बैगन सारे बड़े बड़े ना मम्मी ने तोड़ लिए हैं। वैसे तो जो बड़े बड़े वाले बैगन आते हैं गोल गोल वाले, उनका चोखा बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ना पेड़ में ढेर सारे बैगन हो चुके हैं, तो हमने सोचा उसी का चोखा बनाते हैं, वो सारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। बाकी अभी हम छत पर आ चुके हैं, कल हमने गेहूँ धोया था तो बस वही गेहूँ अभी हम चल रहे फैलाने के लिए। रात भर इस समय ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ओस गिरता है, इसीलिए ना बोरिया में उठा करके हमने भर करके रख दिया था। कल तो वैसे गेहूँ हमने फैलाया था धूप में, तो थोड़े बहुत सूख गए थे गेहूँ। आज बढ़िया से धूप भी हुई है ना, तो बढ़िया गेहूँ सूख जाएगा। तो अभी गेहूँ को धूप में अच्छे से फैला देते हैं। बाकी अभी सारे काम भी हो चुके हैं बाकी के, तो बस गेहूँ फैलाने के बाद ना फिर चलते हैं नहाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर नहा धो करके। ठंडी के मौसम में नहाने के लिए ना 2 से 3 बार सोचना पड़ जाता है नहाने में कितनी ठंडी लगती है ना, तो बस उसी ठंडी का असर है। स्वेटर स्टॉल सब कुछ लपेट लिया गया है। और अभी फिलहाल हम आ चुके हैं नीचे अपने कमरे में, और यहाँ पर बस हम कुछ ढूंढने जा रहे हैं। और ये देखिए इस डिब्बे में है हमारा खजाना, हमारे यादों का खजाना। इस डिब्बे में सारे वो सारी चीज़ें हैं ना जो कि यादें हैं जिनसे जुड़ी हुई। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि हमारे बर्थडे पर हमारे दोस्तों ने दिया था हमें, तो वो सारे कार्ड्स हैं बर्थडे के। बाकी यहाँ पर ना इस डिब्बे में हम ढूंढ रहे हैं अपना क्रीम, निविया वाला वो जो क्रीम आता है ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मम्मी का था पिछले साल का और अभी को जाके मिला जब हमने साफ सफाई की थी ना दिवाली वाली, तो सारे सामान को ना इसी कार्टून में भर के रख दिया था, जितना भी इधर उधर सामान था सारा अलमारी पे, तो वो सारा सामान ना इसी डिब्बे में रख दिया था। और निविया क्रीम भी गलती से ना इसी डिब्बे में रख दिया गया था, तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। और आज जाके फाइनली याद आया कि कहीं उसी डिब्बे में तो नहीं रह गया, तो बस इसी डिब्बे में अभी ढूंढे तो मिल गया। मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कहाँ गया क्रीम, आज जाके मिला। और ये देखिए हमें क्या मिला, ये हमारा पुराना वाला ट्राइपॉड है, ये शुरू शुरू में हम इस्तेमाल करते थे अपना वीडियो बनाने के लिए। ये वाला ट्राइपॉड बहुत काम दिया था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में जब आइडिया आया वो डिब्बे वाला और ग्लास वाला ना, तो फिर उस वाले ट्राइपॉड की मदद से हम अपना अभी वीडियो बनाते हैं। ये हमारा शुरू शुरू का ना जुगाड़ वाला ट्राइपॉड है, ये हमने पाउडर के डिब्बे से और वो जो कॉपी किताब पर कवर चढ़ाया जाता है ना उसके अंदर वो जो पेपर वाला रोल रहता है उसके इस्तेमाल से बनाया था ये वाला ट्राइपॉड। बहुत मदद किया था शुरू शुरू में वीडियो बनाने में कागज़ से, और फिर ना फेविकोल की मदद से बकायदे डिब्बे को हमने चिपकाया हुआ था, बहुत जुगाड़ से बनाया हुआ था। बहुत अच्छा ट्राइपॉड था, शुरू शुरू में काफ़ी मदद किया था और अपने हाथों से बनाया था, तो बहुत लगाव भी है इससे, इसीलिए इसको भी रख दिया है बकायदे। और ये देखिए यहाँ पर अभी क्या बनाया जा रहा है, आटे का हलवा। आप आदू को मीठा इतना पसंद है ना कि उसको जब मौका मिलता है ना तो आटे का हलवा सबसे सस्ता पड़ता है, फटाफट से किचन में जाना है और बनाना है। और आप लोग भी कहते हैं कि दीदी आप हम अक्सर करके मीठा बनाती रहती हैं, तो बस इन्हीं के लिए मीठा बनाते रहते हैं क्योंकि इनको मीठा बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी धीरे धीरे शाम होने ही वाला है, तो बस हमने सोचा कि चलिए तैयारी भी कर लेते हैं अपना लिट्टी चोखा बनाने का, वरना रात हो जाएगा ज़्यादा और लिट्टी चोखा बनाने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हमने सत्तू पीस लिया, तो भुने हुए चने लेकर के ना उसे मिक्सी जार में बस अच्छे से चला लिया, हमारा सत्तू बन के तैयार हो गया। और अभी सारा सामान लेकर के बस चल दिया है हम छत पर अपना लिट्टी चोखा बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चलिए आग ही लगा लेते हैं, तो बढ़िया आग भी जल गया है, तो पहले थोड़ा सा सेक लेते हैं। ठंडी के मौसम में मस्त आग मिल जाए सेकने को तो मज़ा ही आ जाए ना। तो चलिए अभी आग भी हमारा अच्छे से लग चुका है, तो अब क्या करते हैं ना सारे बैगन को पहले डाल लेते हैं अपना भुनने के लिए, क्योंकि बैगन ना अगर धुआं भी उठ रहा है ना तो उसमें भी हम इसको भून सकते हैं। आलू को भूनते समय ना धुआं नहीं उठना चाहिए, वरना आलू में ना धुएं धुएं जैसा महक आ जाता है। तो सबसे पहले ना बैगन को डाल देते हैं, अपने बैगन के साथ साथ ना टमाटर को भी ऊपर डाल देते हैं। बैगन और टमाटर साथ साथ ना धीरे धीरे पकते रहेंगे। जब तक हमारा बैंगन टमाटर हो रहा है ना तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं लिट्टी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर हमने जो पीस कर भी रखा हुआ था ना अपना चना, बस उसको ले लिया है। और अभी हम कट कर रहे हैं प्याज, प्याज के साथ ही साथ ना हम इसमें और भी चीज़ें कट करके डालेंगे, जैसे कि अदरक हो गया, मिर्चा हो गया, धनिया पत्ता हो गया, लहसुन हो गया, नींबू का रस है अगर हमारे पास ना तो हम उसको भी डाल सकते हैं, अचार का मसाला, जो भी हमारे पास अचार का मसाला है। तो यहाँ पर अभी हम इसमें डाल रहे हैं ना आम के अचार का मसाला, तो जितना भी हमें मसाला पसंद हो, यहाँ पर हमने डाला है 4 से 5 चम्मच भर करके अचार का मसाला, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है डालने से। और बाकी हम नमक डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और बढ़िया से ना सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, और बस हमारा मसाला बन के तैयार हो जाएगा लिट्टी बनाने के लिए। और इस तरह से जब हम अपना मसाला बनाते हैं ना लिट्टी में भरने के लिए, तो हमारी लिट्टी ना बहुत ही लाजवाब बनती है चोखे के साथ खाने में।
अभी हमारा मसाला तो बन के तैयार हो चुका है लिट्टी बनाने के लिए, तो बस यहाँ पर हम लिट्टी बनाने की अभी तैयारी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना लिट्टी बनाने के लिए हम साइड में आगे जोड़ लेते हैं अपनी ऊपरी का, ये वाला जो आगे है ना हम जोड़ रहे हैं अभी लिट्टी बनाने के लिए। साइड में उधर हमने चोखे के लिए आगे जोड़ा हुआ था, तो वहाँ पर बैगन वगैरह जो हमने डाले हुए थे भुनने के लिए ना, देखिए अभी बैगन भी हमारे कुछ पक गए हैं, कुछ अभी नहीं पके हुए, तो उनको भी हमने ढक दिया है पकने के लिए। और इधर साइड में जो हमने आगे जोड़ा है ना, ये वाला आगे काम आ जाएगा हमारा लिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि लिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आग ढेर सारा, तो बस इसीलिए ना अलग से हमने आगे अभी लगाई है। और लिट्टी बनाने के लिए जब तक हमारा आग तैयार हो रहा है ना, तब तक हम अपना आटा लगा के बढ़िया लिट्टी भर भर के तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हमारा आग अच्छे से सुलग जाए ना, तब हमें बस लिट्टी को अपने सेकना रहे। तो बस यहाँ पर आटा हम लगा रहे हैं। और ये देखिए हमारे सारे बैगन टमाटर हो चुके हैं अभी, जो नहीं हुए थे हमने डाला हुआ था ना, वो भी सारे हमारे अभी पक चुके हैं, तो हम अपने आलू को भी डाल देते हैं अच्छे से भुनने के लिए। अभी लिट्टी चोखा बनाते समय ना अपने दादाजी की याद आ गई आज। हमारे दादाजी ना पहले बहुत लिट्टी चोखा लगाते थे, अब दादाजी हमारे बीच में नहीं है, पहले अक्सर हमारे घर पे लिट्टी चोखा ना अक्सर करके लगाया जाता था, हमारे दादाजी लगाते थे और बहुत बड़े बड़े लिट्टी बनाते थे हमारे दादाजी। हमारी जितनी तीन लिट्टी ना उतनी उनकी एक लिट्टी हुआ करती थी, और मिट्टी की हांडी में आहरा जोड़ करके, जो ऊपरी का आग जोड़ करके ना, उसमें दाल बनाते थे, और दाल को बहुत स्पेशल तरीके से बनाते थे, उसमें गुड़ डालते थे, प्याज लहसुन अदरक मिर्चा सब खड़े खड़े डालते थे, और धीरे धीरे पकता था, और वो दाल बहुत ही कमाल का लगता था खाने में। अब तो इतना हमारे यहाँ नहीं बनता है लिट्टी चोखा, लेकिन पहले बहुत लगा करता था लिट्टी चोखा, और जब बहुत सारे लोग जुटते थे ना रिलेटिव्स, तब भी लगता था और बहुत मज़ा आता था तब। अभी पापा लगाते हैं अक्सर करके हमारे यहाँ लिट्टी चोखा, लेकिन अभी आज हम लोग ना पहली बार अपने हाथों से लगा रहे लिट्टी चोखा। एक बार को हमने आज सोचा ना कि मिट्टी की हांडी में दाल बनाते हैं जैसे दादाजी बनाते थे पहले दाल, लेकिन फिर याद आया कि आज पापा तो है ही नहीं, पापा गए हैं आज न्योता है उनको शादी का, तो पापा वहीं पे गए हैं और खाना खा के आएंगे, तो हमने सोचा जिस दिन पापा रहेंगे ना उस दिन बनाएंगे, तो ऐसे पापा भी खा लेंगे, तो बस इसीलिए आज हमने नहीं बनाया दाल। और हमारे पापा बहुत ही अच्छा लिट्टी चोखा लगाते हैं, तो हम तो आज पहली बार बना रहे हैं और सीख रहे हैं लिट्टी कैसे लगता है, तो पापा को पहली बार यदि अच्छा नहीं बना और खिलाया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बस इसीलिए हमने सोचा आज पहले सीख लेते हैं, और फिर जब एक और दिन बनाएंगे ना बढ़िया से सीख के, तब पापा को खिलाएंगे, बाकी जब नहीं समझ में आएगा ना तो मम्मी को बुला लेंगे मदद के लिए। तो चलिए बाकी यहाँ पर देखिए हमारा आग भी बढ़िया से सुलग गया है, तो हमने फटाफट से अभी भर लेना है अपनी सारी लिट्टी को मसाले से, तो बस यहाँ पर गोल गोल कटोरी बना के ना हम भर दे रहे हैं अपनी सारी लिट्टियों को। और अभी आग भी हमारा तैयार हो चुका है, तो हम अपने बाटी को ना रख देते हैं उसके ऊपर सिकने के लिए। एक बार जब नीचे से सिक जाएगा ना, तो हम इसको पलट देंगे जैसे कि हम रोटी सेकते हैं। इसके बाद फिर ना जब ऊपर नीचे से चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा ना, तब हम अपने बाटी को ना अच्छे से आग में ढक देंगे ताकि वो अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो अभी हमने मम्मी को बुला लिया है बिल्कुल मदद के लिए, क्योंकि बाटी को सेकने में ना थोड़ा सा हो रहा था कि बाटी को किसना सेकना है, कहीं जल गया बाटी तो बस इसीलिए ना मम्मी को बुला लिया अभी मदद के लिए, और मम्मी अभी बाटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभा रही है अच्छे से। तो बस अभी हम अपना चोखा बना लेते हैं फटाफट से, और आलू को देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। तो कुछ आलू हो चुके हैं, कुछ आलू नहीं हुए हैं, तो जो हो चुके हैं उनको छील लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मम्मी अच्छे से उलट पलट रही हैं बाटी को। तो चलिए मम्मी अपना बाटी देख रही है ना, तब तक हम लोग अपना चोखा बना लेते हैं। तो आलू बैगन टमाटर जो भी है ना उसको बढ़िया से छील लेते हैं, और नमक तेल और धनिया पत्ता लहसुन मिर्चा वगैरह अदरक कट करके अच्छे से मिक्स करके अपना चोखा बना लेते हैं। और अभी चोखा बनाने के बाद ना हम इंतजार कर रहे हैं बाटी का, तो मम्मी ने ना यहाँ पर बाटी को सेकने के बाद ना अच्छे से ढक के रख दिया है पकने के लिए अंदर से। शाम से ही लगे लिट्टी चोखा बनाने में, और अभी एकदम रात हो चुका है, और ये देखिए अभी हमारे ना लिट्टी भी अच्छे से सिक चुकी है अंदर से। जब हमारा लिट्टी थोड़ा सा फट जाता है ना, तो इसका मतलब हमारा लिट्टी बिल्कुल पक चुका है। तो हमारी सारी लिट्टी फट चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो बस हम अब क्या करते हैं ना इसको झाड़ लेते हैं, इसमें जो थोड़ा सा राख वगैरह लगा होगा ना झाड़ने से बढ़िया से निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके अंदर सारे बट्टी को डाल दिया है, और बस अच्छे से झाड़ के ना अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। और ये देखिए हमारी सारी लिट्टी बिल्कुल साफ साफ हो चुकी है, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, और बहुत मेहनत कर लिया लिट्टी चोखा बनाने में, तो अब इसको देख करके ना भूख भी बहुत बढ़ रही है। तो चलिए पहले फटाफट से झाड़ लेते हैं। हम चाहे ना तो लिट्टी के साथ साथ ना गुड़ घी को भी खा सकते हैं, चोखे को भी खा सकते हैं, अचार प्याज मिर्चा जैसा भी हमें पसंद हो ना सब लेकर के खा सकते हैं, लेकिन अभी तो भूख बहुत जोरों की लगी है। और अभी शाम को हलवा भी हमने खाया हुआ था, हमारी आदू ने बनाया था, तो इसीलिए ना गुड़ घी खाने का मन नहीं है, बस लिट्टी चोखा ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए
फटाफट से लगाते हैं अपनी थाली, पहले ना इसके ऊपर घी डाल लेते हैं, देसी, जब देसी घी डालते हैं बाटी के ऊपर तो कितना अच्छा लगता है ना खाने में, तो बस थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल लेते हैं ऊपर से और इसके बाद चलते हैं खाने के लिए। और आज हमने सीख भी लिया है मस्त बाटी बनाना। पहले तो थोड़ा डर लगता था बाटी को सेकने में कि कहीं जल न जाए बाटी, लेकिन आज हमने बिल्कुल सीख लिया है बाटी बनाना। अब एक दिन ना पापा को बना के खिलाएंगे बाटी चोखा, ऐसे तो हमेशा पापा बनाते हैं बाटी, तो एक दिन ना हम लोग बना के खिलाएंगे पापा को बाटी चोखा। तो आ जाइए आप सभी भी, चलिए मिलकर खाते हैं बाटी चोखा अपने हाथों से बनाया हुआ, और फिर मम्मी को खिलाते हैं और चखाते हैं और मम्मी से पूछते हैं कैसा बना है। और ये देखिए रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज चांदनी रात है, और चांदनी रात में ऐसे बाहर बैठ के बाटी चोखा खाने का अपना अलग ही आनंद है। तो चलिए अभी मम्मी को हमने चखा दिया है, वैसे मम्मी ने कहा है बहुत टेस्टी बना है, और आप लोग भी बताइए कैसा बना है कमेंट करके। आपसे बात करते करते कैसे समय बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।